आप सभी को मेरा प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। स्वागत है आपका मेरे चैनल मोनिक ब्लॉग्स में। सो मैं ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग से। और नाश्ता तो क्यों होना था, आज सावन का दूसरा सोमवार है तो मेरा फास्ट है और हम मंदिर जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको भी थोड़ा मंदिर के दर्शन करवाया जाए। और बारिश भी हो रही है क्योंकि सावन का महीना है तो बारिश ऑब्वियसली बात है होगी ही। तो मैं और मेरे पति परमेश्वर जी जा रहे हैं मंदिर। बने रहिए आप मेरे साथ ब्लॉग में और तब तक आप मौसम की लुत्फ़ उठाइए। मिलते हैं आप किसी के रास्ते से। आपका फास्ट है? हाँ फास्ट है मेरा। खाने वाला? नहीं नहीं नहीं, फास्ट है मेरा। प्लेट तो दिखाओ, प्लेट क्यों छुपा रही? प्लेट नहीं, चाय पी रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हो रहा है नाश्ता। ये है हमारे देवर जी। हमारी भाभी जी के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में क्योंकि ये ऑलरेडी एक ब्लॉगर है। ट्रैवलिंग राणा जी, हाँ इनके चैनल का नाम है ट्रैवलिंग राणा जी। ये हमारे सासू माता जी रोटी सर्व कर रही हैं। हमारे देवर जी का बोल हो गया, फास्ट है यहाँ पे रोटी खाने वाला। और यहाँ पे नेहा बना रही है नाश्ता। हेलो गाइस, तो मिलते हैं अब आपको सीधे रास्ते में। यहाँ का रास्ता ऐसा है, ये हैवी ड्राइवर। के खिलाड़ी बने हुए हैं हम लोग। यहाँ पर रास्ता आपको दिखाते रहेंगे कहाँ पे क्या है। मुझे भी फर्स्ट टाइम क्या है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। मिलते हैं आपको आगे रास्ते में, बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। पहाड़ों के सुंदर वादियों में आपका स्वागत है। तो हम चले चौकता की और आज का मौसम बड़ा ही गजब हो रहा है। I know you hurt.
फाइनली वी रीच्ड इन चोपटा और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो रखी है, तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और अभी हम चाय पीने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है मुझे, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे। और यहाँ से हमारा तुम्हारा का ट्रैक स्टार्ट होता है। घोड़े वगैरह के लिए यहाँ पे अगर कोई पैदल नहीं जा सकता है तो उनके लिए घोड़े की सुविधा भी है। यहाँ पे हमारी वानर सेना भी आ रही है। रास्ते में खाने के लिए भी बहुत चीज़ें मन रास्ते में ढाबे वगैरह मिल जाएंगे आपको। और ऊपर में भी है एक उत्तराखंड की प्रकृति के नज़ारों का क्या ही कहा जा सकता है। यहाँ के नज़ारे तो अद्भुत होते हैं। लोगों ने मतलब लोग जो रहते हैं उन्होंने यहाँ पे बकरी वगैरह बहुत चीज़ों का पालन किया हुआ है। उनकी बहुत सारी बकरियाँ हैं उधर। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। Oh,
गई है हालत खराब और हम रुद्रनाथ जाते हैं। ये रुद्रनाथ जाने वालों के लक्षण। ओ भाई अभी कैमरा ऑन हो गया था। सो फिर कोहरा भी पूरा लग गया है पूरा घर में। क्या करके ऐसे लोग मंदिरों में ना आए जिनके बस की कुछ नहीं है। जगह जगह पे हम बैठते हैं कर रहे। देखो अभी सो गए और कोहरे ने आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा कोहरे की वजह से पूरा वेदर वो हो गया। सो इनकी कुछ फोटोज़ क्लिक करनी है तो मैं फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ। मिलते हैं आपको अब सीधे, हो सके तो मंदिर में मिलेंगे या थोड़े रास्ते में अगर कुछ सीन कैप्चर करने लायक मिला तो दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा कोहरे से कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो क्या ही दिखाऊं मैं आपको यहाँ की लोकेशन। ये भी पत्थरों से एक छोटा सा मंदिर जैसा बनाया हुआ है। फिर हमें एक रास्ते में बिना पूंछ वाला चूहा दिखा जो यहाँ पे दिखता रहता है। मतलब यहाँ पे बिना पूंछ वाले चूहे ही रहते हैं। यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं मंदिर में, तो रास्ते में छोटी छोटी टपरियाँ बनाई गई हैं कि यात्री लोग थक जाएं तो मंदिर से आने के बाद या मंदिर से पहले भी कुछ यहाँ पर पूजा की सामग्री भी मिलती है तो पूजा की सामग्री भी ले सकते हैं और खाने के लिए भी है शायद, मुझे पता नहीं। हाँ है, तो थोड़ा एनर्जी के लिए यहाँ पे से खाने के लिए कुछ ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तुंगनाथ जो मंदिर है उसका रहस्य बताते चले। जो मंदिर का नाम है तुंग है, जिसका मतलब हाथ, और नाथ भगवान शिव के प्रतीक के रूप में लिया गया है। कहा यह भी जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस जगह पर तपस्या की थी। इसके अलावा भगवान राम ने रावण के वध के बाद खुद को ब्राह्मण हत्या के श्राप से मुक्त करने के लिए उन्होंने इस जगह पर शिव जी की तपस्या की थी। यह मंदिर पंच केदारों में से एक है और माना जाता है कि लगभग 1000 वर्ष पुराने प्राचीन काल का है। इस मंदिर की नींव अर्जुन ने रखी थी जो पांडव भाइयों में तीसरे थे, जिसे उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली में बनाया गया था। और मंदिर के आसपास अन्य देवताओं के एक दर्जन मंदिर हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें से प्रत्येक स्थल भगवान के एक अंश की मेष को समर्पित है। केदारनाथ भगवान शिव का कुबेर, मदमहेश्वर उनकी नाभि और तुंगनाथ उनकी भुजाएं, रुद्रनाथ उनका चेहरा और कल्पेश्वर उनकी जटा या बाल। चौतर तुंगनाथ ट्रैक पर सही जाने का सही टाइम अप्रैल मई और जून में गर्मियों के महीने में है। इस समय के दौरान चौतर तुंगनाथ का तापमान मध्यम रूप से उच्च रहता है। इस स्थान पर मौसम साफ और सुखद रहता है। चौतर समुद्र तल से 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद 13,000 फुट की ऊँचाई पर तुंगनाथ स्थित है। चौतर से तुंगनाथ तक 3 किलोमीटर का पैदल मार्ग बुग्यालों से सुंदर दुनिया से साक्षात्कार रहता है। ये है तुंगनाथ का पूरा एरिया। सो आपको अब पूरा एरिया दिखाती हूँ मैं। हमने दर्शन तो कर लिए और मुझे मंदिर के अंदर दिखाना अच्छा नहीं लगता, मतलब अलाउड भी नहीं है और सही भी नहीं है मंदिर के अंदर दिखाने का। जितना सही लगता है दिखाना चाहिए। सो अब आपको फ्रंट से मंदिर के दर्शन करवाती हूँ मैं। अभी भोग भी लगने लग गया है मंदिर में।
पहुंच चुके हैं बड़ी लेट आते हुए। सावन के दूसरे सोमवार पे हम आज भगवान जगन्नाथ के द्वार पे हैं। काफी अच्छा लग रहा है यहाँ से। चुके हैं हमारे फूफा जी। तो आपको कैसा लग रहा है सावन के सोमवार में शिव जी के दर्शन करते हुए? मुझे आशा नहीं थी कि मैं इतनी हाइट चढ़ पाऊँ, कूद पाऊंगा। आज पहली बार आ रहे हो? नहीं, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। मुझे चले चलो ये नहीं चढ़ा रहे, और कुछ लग नहीं है। दर्शन हो चुके हैं, हम जाने लग गए हैं घर की तरफ। तो आपको फिर से एक बार मंदिर के दर्शन करवा देते हैं। नमः पार्वती सम नमामि जानाते ही पुष्पचंदन सर माँ के चरणों में अर्पण कर। भगवान शंकर को पीला चंदन दिया, दर में माँ को लाल सिंदूर चढ़ाओ। ठीक है, तो सीधे आदमी यही चढ़ाओ, पीछे मुझे बच्चे आते हैं। गंदम से बच्चे चढ़ाओ, गंदम से बच्चे, उसके बाद चार चलो भाई। पास ही में ज्यादा दूर 1 किलोमीटर। बहुत ही अच्छे आपका मम्मी नहीं दिख रहा। जय तुंगनाथ महाराज। तो हमें नीचे आते हुए बारिश भी लगने लग गई थी, तो हमने इस मार्केट में पहुंच के थोड़ा सा चाय पिया। तो आज का ब्लॉग इतना तक। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।